बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। कुछ शिपिंग मार्ग दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मलक्का का स्ट्रेट एक है, पनामा कैनाल दूसरा, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के आसपास के सागर में बाप अल मंडेब, होर्मूज और तिरान के जल डमरू मध्य और आखिर में स्वेज कैनाल। इनमें से खास मलक्का स्ट्रेट चीन के लिए सबसे संवेदनशील है क्योंकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका इस पर नाकाबंदी कर सकती है, एक कार्यवाही जो उनकी मध्य पूर्व से आते तेल पर रोक लगा दे। इससे बचने के लिए वे $47 अरब खर्च कर रहे हैं CPEC के निर्माण में, जो ग्वादर द्वारा भारत का मगर पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र गिलगित बल्तिस्तान से तेल की आपूर्ति जारी रख सकेंगे। पनामा और स्वेज कैनालों से छोटे किए गए मार्गों के बिना दुनिया अब जी नहीं पाती। विश्व का व्यापार जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मॉडल, जो समय समय पर सामान पहुंचाता है, उस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। तो जब एक विशाल 1300 फुट बटा 400 मीटर लंबे कंटेनर जहाज एवर गिवन स्टैचू ऑफ यूनिटी के आकार से दो गुने से भी ज्यादा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 25 पुरुषों के अखिल भारतीय क्रू के साथ 23 मार्च की सुबह कैनाल में घुसा, दुनिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों तक वैश्विक व्यापार का 12% कारोबार ठप हो जाएगा। लगभग 40 समुद्री मील 74 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा, जो अक्सर स्वेज में हुआ करती है, उस घातक दिन चल रही थी जब जहाज नहर के मुहाने में प्रवेश किया। उस गति पर तूफानों को खतरनाक आंधी बुलाई जाती है, जिसमें दम होता है खिड़कियों को चकनाचूर कर देने का। सभी की सुरक्षा के लिए नहर प्राधिकरण अनिवार्य रूप से स्वेज पायलट को हर जहाज पर चढ़ाते हैं जो परिस्थितियों से परिचित है और जो उसे नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर इन तेज हवाओं में जहाज को सीधा रखने के लिए टग बोट का उपयोग किया जाता है, लेकिन एवर गिवन के साथ ऐसा नहीं किया गया, जबकि पिछले दो जहाजों ने कथित तौर पर इस सुविधा का इस्तेमाल किया था। स्वेज कैनाल पर गति सीमा 7.6 से लेकर 8.6 समुद्री मील के बीच है, लेकिन तेज हवाओं के कारण स्वेज पायलटों के मशवरे के साथ क्रू ने अपनी गति बढ़ाने का फैसला लिया। जैसे कि अक्सर जहाजों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है, वे जिस 13.5 समुद्री मील गति पर चल रहे थे, वो एवर गिवन को वेस्ट बैंक की ओर खींचने लगा। जहाज को सीधा करने की कोशिश में उन्होंने ईस्ट बैंक की ओर व्हील को घुमाया, लेकिन भारी हवाओं ने उसे कुछ ज्यादा ही धकेला और जहाज का बाऊ रेत से जा टकराया। 205 मीटर की नहर की चौड़ाई से भी बड़े इस विशाल जहाज के अंदरूनी गति ने धीरे धीरे स्टर्न या पिछवाड़े को दूसरी ओर ले फंसाया। स्वेज कैनाल के उत्तरी हिस्से में दो तरफा लेन है, लेकिन जहाज वहाँ नहीं फंसा था। दुर्भाग्य से ये कैनाल के दक्षिणी भाग में अटका हुआ था, जहाँ केवल एक ही लेन है। एवर गिवन पहला जहाज नहीं है जो इस 120 मील नहर में फंसा। 2004 में एक तेल टैंकर 3 दिनों तक जल मार्ग में फंसा रहा। 2006 में सैंड स्टॉर्म सहित तेज तूफानी हवाओं के कारण एक 93,000 टन मालवाहक जहाज ने गुमराह होकर कुछ समय के लिए कैनाल का रास्ता बंद कर दिया था। 2017 में एक और जहाज के स्टीयरिंग व्हील खराब होने की वजह से वो अपने मार्ग में रह नहीं पाया और नहर के आड़े आकर उसे बंद कर दिया। सभी मामलों में टग बोट कुछ ही घंटों में जहाजों को निकालने में सक्षम रहे, लेकिन उनमें से कोई भी एवर गिवन जितना बड़ा नहीं था। फिर भी टग बोटों ने जहाज को मुक्त करने के प्रयास में उसे केबलों के साथ खींचने की कोशिश की। ड्रेजर्स जहाज के बाव और स्टर्न के नीचे से मिट्टी और रेत खोदना शुरू किया ताकि उसे फिर से तैरने में मदद मिल सके। यदि ये विफल होते तो तीसरा उपाय था, भार हल्का करने के लिए जहाज से कुछ कार्गो और ईंधन तेल को निकाला जा सकता था, लेकिन क्रेन को इन 20,020 फुट कंटेनरों के करीब लाकर उसे उतारना भी मुश्किल था जहाज को असंतुलित किए बिना, और अगर वो पलट जाती तो स्थिति और भी गड़बड़ाने की संभावना थी। लेकिन उच्च ज्वार, टग बोट और ड्रेजिंग 29 मार्च के दिन जहाज को छुड़ाने में कामयाब रहे। उन 6 दिनों में जब एवर गिवन फंसा था, नहर से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे 367 जहाजों ने लगभग $54 अरब के व्यापार को बाधित किया। ये घटना कितनी अंतर्राष्ट्रीय थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इन बातों से। जहाज का मालिक जापानी था, जहाज चलाने का ठेका लिया था ताइवान के शिपर ने, क्रू भारतीय थे, जहाज पनामा में रजिस्टर किया गया था और दुर्घटना हुई मिस्र में। वैसे स्वेज एक बहुत ही अस्थिर इलाके में उपस्थित है, जहां कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो नहर को फिर बंद करवा सकती है। सुन्नी सऊदी की यमनी हूतियों के खिलाफ 5 साल का युद्ध वास्तव में शिया ईरान के खिलाफ एक परोक्ष युद्ध है, जिसमें UAE ने सऊदी के समर्थन में और जल मार्गों को खुले रखने के लिए यमन के मौखा, एदन और मुकल्ला बंदरगाहों पर कब्जा कर रखा है और यमन से महज 8 मील की दूरी पर बाब अल मंडेब के पैरिम द्वीप पर एक हवाई अड्डा भी स्थापित किया। बात अगर आगे बढ़ जाए तो ये 26 से 29 किलोमीटर पतली बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य वो भी बंद हो सकती है।
पहले से ही पड़ोस की जिबूती में कई फौजी बेस उपस्थित हैं, अमेरिकी, फ्रांसी, इटली, जापान और 2017 से चीन की। भारत के नजरों से अगर देखा जाए तो चीन का वहां 2000 व्यक्ति लॉजिस्टिक बेस की स्थापना करना गतिरोध के मामले में खतरा हो सकता है। फिर रेड सी में ईरानी और इजरायली जहाजों के बीच बढ़ती झड़पें हो रही हैं, जैसे जब एक ईरानी जहाज कथित तौर पर हथियारों की तस्करी कर रहा था जिसे इजरायली खानों द्वारा लक्षित करके भंग किया गया, जिसे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। इजरायल ईरानियों से प्रतिक्रिया भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिस बहाने से वो ईरान के इस्फहान और नांस परमाणु सुविधाओं पर बमबारी कर सके, जो जरूर एक बड़े संघर्ष को प्रज्वलित कर सकता है। फिर एक और खतरा मंडरा रहा है इथियोपिया और उसके पड़ोसियों के बीच, नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियाई पुनः जागरण बांध के निर्माण के बारे में, जो सूडान की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दक्षिण में। ये बांध 6.35 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ इथियोपिया की बिजली को 4 गुना बढ़ा देगा। हालांकि अगर इस विशाल GERD बांध को तेजी से भरा जाए तो नदी के प्रवाह को काफी हद तक पतला कर सकते हैं, जब तक ये सूडान से मिस्र में सफर करते हुए आएगी, ताकि ये बांध अपने पेयजल और सिंचाई सुविधाओं के मुख्य स्रोत को प्रभावित ना कर सके। मिस्र ने इथियोपिया से मांग की है कि वे 6 साल की बजाय ग्रैंड जलाशय को भरने में 12 से 21 वर्ष का लंबा समय लगाए, एक ऐसा मुद्दा जिस पर वो लड़ने के लिए भी तैयार है। मिस्र के पानी का एक बूंद भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर ऐसा हुआ तो पूरे इलाके को हिला दूंगा। सोमालिया की एक दशक से अधिक लंबी समुद्री डाकू समस्या तब हल हुई जब 33 देशों ने एक साथ कार्यवाही की। अफसोस कि इस क्षेत्र में युद्ध और संघर्ष हमेशा का साथी है। 1967 में 50 जहाज 8 साल तक स्वेज नहर के बीच फंसे रहे, जब मिस्र ने कैनाल को बंद किया इजरायली सेना के ईस्ट बैंक पर कब्जा करने के प्रतिवाद में। बहुत पहले भी 1956 में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायलियों ने संयुक्त रूप से मिस्र के सेनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण किया, मूल रूप से स्वेज को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन उन्होंने अन्य तर्क दिए। अफ्रीका और एशिया के साथ व्यापार करने के लिए लाल सागर से निकलने वाले इजरायली जहाजों के लिए महत्वपूर्ण तिराल जल डमरू मध्य कुछ समय पहले संघर्ष का एक और बिंदु था, जिसे हल करने के लिए 1960 के दशक में अमेरिका ने भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए स्वेज से अलग इजरायल के नेगिव रेगिस्तान द्वारा 100 किलोमीटर का एक और उपाय बनाने का सोचा था, लेकिन जल्द ही अपने तेल उत्पादक अरब सहयोगियों को खुश रखने के लिए इस योजना को रद्द कर दिया। हालांकि इजरायल कथित तौर पर अभी भी इस पर विचार कर रहा है। इजरायल के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग शत्रुतापूर्ण देशों को उनके साथ बेहतर संबंध रखने पर मजबूर कर सकता है, साथ ही साथ उन्हें राजस्व कमाने का एक और मौका मिलेगा। दोनों नहरें पनामा $800 मिलियन और स्वेज $5.6 बिलियन अपने देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% उत्पन्न करती है। एक नियम के रूप में एवर गिवन जैसी पूरी तरह से लदाब 20,000 TEU कंटेनर पोत टोल शुल्क में लगभग $7 लाख 50 लाख से भी अधिक का भुगतान कर सकता है। मिस्र वासियों ने अपने 6 दिनों का राजस्व खोने और जहाज को मुक्त करने में जो खर्च लगाया, अब उसको वसूली करने के तरीके तलाश रहे हैं। मौसम एक कारण था, लेकिन शायद कोई तकनीकी वजह थी या इंसान की गलती भी होने की संभावना है। उन्होंने जहाज के मालिक जापानी फर्म शोई किशेन काइशा पर $1 बिलियन की मांग डाली, जिसे बाद में घटाकर 600 मिलियन कर दिया। जहाज के चार्टर ताइवान के एवरग्रीन मरीन कॉर्प ने भी कार्गो का अपने गंतव्य तक देरी से पहुंचने की जिम्मेदारी लेने से हाथ उठाया। कोई संभावना नहीं कि हमसे मुआवजे की मांग की जाएगी। यहाँ हमें बताना चाहिए कि जहाज पर दिखाई देने वाले दो नामों ने कई लोगों को कंफ्यूज किया है। एवर गिवन जहाज का नाम है और एवर ग्रीन ताइवान शिपर की कंपनी का नाम है जो जहाज चलाते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि हर कोई इस घटना की जिम्मेदारी एक दूसरे पर खिसकाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से कई मुकदमे होने की संभावना है। यदि आगे ये मामला अदालत तक पहुंचता है तो सुनवाई मिस्र में होने की आशा है, क्योंकि जहाज, उसका माल और क्रू सब ग्रेट बिटर लेक स्वेज में एक बड़ा खारे पानी का निकाय में लंगर डाले हुए हैं। दो भारतीय चालक दल के अलावा, जिन्हें आपातकालीन कारणों से रिहा कर दिया गया, बाकी अभी भी जहाज पर फंसे हुए हैं। इन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास जारी है, लेकिन महीने बीत जाएंगे जब क्रू, और शायद कई साल और लगेंगे जब तक एवर गिवन एक बार फिर माल के साथ समंदर में आजाद घूमेगा। बिस्बो की शायरी है व्यापारिक महत्व की, सकरी स्वेज कैनाल गल्फ राष्ट्रों की तनातनी देती रोड़ा डाल, एवर गिवन फंस गया रुका है सब व्यापार, देखें कब व्यापार अब पकड़े फिर रफ्तार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।